विजेता इथं पाहतो आपण क्रिकेटचा जय होतोय. धन्यवाद मान्यवरांना विनंती आपण आसन ग्रहण करून घ्यायचं आहे. तर चेंडू एक मिनिट योगेश चार षटक ना सामना चार षटकांचा होईल याची दक्षता घ्यायची आहे. त्याच्यानंतर वेळ पाहून निर्णय घेला जाईल की फायनल पाच षटकांचा होईल का चार षटकांचा. तो इस मॅच के लिए स्टँडिंग एम्पायर हो गए संदीप ठाकूर और उनके साथ फहीम खान उर्फ सोनू. तो मैच की शुरुआत होने जा रही है. गांवदेवी बोनकोड़ी के डैशिंग कप्तान विशाल घोटकर ने टॉस जीता पहली मर्तबा निर्णय लिया गेंदबाजी करवाने का और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है डेनिस इलेवन नेरुल टीम को. तो दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर आ चुके. नए गेंद से गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे गेंदबाज सागर चांद. गेंद को ढीले हाथों से बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में ढकेल दिया खूबसूरती के साथ एक रनों के लिए. इस एक रन के साथ सोनू ने अपना खाता खोल दिया टीम का भी खाता खोल दिया एक रन बगैर किसी नुकसान के. डेनिस इलेवन नेरुल टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा पहला सेमीफाइनल का मुकाबला. कौन सी वो दो टीमें होगी जो फाइनल में शिरकत करेगी. जय सानपाना टीम ने किस्मत की बदौलत कहे या फिर कहते कि वक्त उनके फेवर में था एक हारा हुआ मैच जीता लेकिन यहां पर भाग्य ने उनका साथ दिया लकी ड्रॉ निकाला गया और फाइनल में टिकट मिला सीधे फाइनल का फ्लैट का टिकट मिला उनको. तो पहली गेंद फेंक चुकी है सागर चंद गेंदबाजी पर दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट. रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास इनसाइड एज लगा बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया है बल्ले का एक रन मिलेगा. रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास करवा रहे थे बल्लेबाज लेकिन पूरी तरह से चूके बल्ले के बीचों बीच गेंद जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाई. लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने एक रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर दिया. आंखों ही आंखों में इशारा किया और आसानी के साथ एक रन पूरा किया. इसी के साथ टीम का स्कोर एक से आगे बढ़ता हुआ दो रन बगैर किसी नुकसान के. आप दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने खाते खोल दिए. गेंदबाज सागर चंद की तारीफ करना चाहूंगा युवा गेंदबाज है. चार ओवर का मुकाबला पावर प्ले में गेंदबाजी पर है. दो खिलाड़ी हम देख रहे सर्कल के बाहर है वाइडिश मिड विकेट और डीप लॉन्ग वन. चार खिलाड़ी जो कि हम ऑफ साइड में देख रहे हैं बैकवर्ड पॉइंट है स्वीपर कवर है शॉर्ट सेली मिडवा पर शॉर्ट लॉन्ग. एक खिलाड़ी स्लिप में जो कि कैचिंग पोजिशन के लिए. गेंदबाज सागर चंद अपनी ओवर का तीसरा गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट उमदा शॉट. उमदा शॉट बेमिसाल टाइमिंग के साथ गेंद और लॉन्ग ऑफ बाउंड्रीज के बाहर चार रनों के लिए डीजे. धन्यवाद डीजे. तो तीन गेंदों की समाप्ति के बाद डेनिस इलेवन नेरुल टीम का स्कोर पहुंचता हुआ छह रन बगैर किसी नुकसान के. दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी डाले इस बार शॉट ऑफ पुल गेंद थी डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में. इस बार उमदा शॉट एक बार फिर से चार रन बैक टू बैक दो बाउंड्रीज मिली है. दो गेंदों पर दो बाउंड्रीज आ चुकी है और पूरी तरह से दबाव डाल दिया है बल्लेबाज ने गेंदबाज के ऊपर. सागर चंद जो कि भरोसेमंद गेंदबाज माने जाते हैं इस बार विशाल घोटकर की मुश्किलें बढ़ती हुई. टीम का स्कोर हो चुका है 10 रन. इस बार कवर के ऊपर से उमदा शॉट बेमिसाल टाइमिंग जगह बना रहे. शारीरिक भाषा को देखिए समय लेते हैं जैसे देखते सुबह का नाश्ता करने के बाद पेपर पढ़ा उसके बाद न्यूज देखी तो समय लिया है बल्लेबाज ने. गेंद काफी धीमी गति से आ रहा है ये समझना चाहिए गेंदबाज को. इतने बड़े बल्लेबाज के सामने आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी डालोगे इसका मतलब ये होगा कि आपने कसाई के सामने बकरे को रखा हो. तो ये सोचना पड़ेगा गेंदबाज को सागर चंद को. अब तक जो निर्णय लिया विशाल घोटकर ने ये निर्णय थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ. साल 2003 में यही निर्णय लिया था सौरभ गांगुली ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल जैसे विश्व कप में टॉस जीता गेंदबाजी लेने का फैसला किया. अब दबाव महसूस करते हुए टीम का स्कोर 14 रन बगैर किसी नुकसान के. लगभग पांच गेंदों की समाप्ति के बाद पहली दो गेंदों में दो सिंगल आए उसके बाद तीसरी चौथी और पांचवी गेंद पर तीन बाउंड्रीज. दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी डाले इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में मारने का प्रयास रन चुराने का प्रयास किया था लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने अपना इरादा अंत में बदल दिया ओवर की समाप्ति. तो एक ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए डेनिस इलेवन नेरुल टीम का स्कोर हुआ 14 रन. तो 14 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए बन चुकी है. कुछ हद तक विशाल घोटकर एंड कंपनी को यह सोचना पड़ेगा विकेट अगर नहीं निकाल पाए तो मुश्किल हो जाएगी. जबकि सोनू की तारीफ करनी चाहिए. सोनू इस टूर्नामेंट में बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है. तो आप गेंदबाजी में बदलाव करेंगे किसके साथ गेंदबाजी पर जाना चाहेंगे. चार ओवर का मुकाबला है चार गेंदबाजों को आपको आजमाना है तो फील्डिंग में भी बदलाव किया जाएगा. अब चार खिलाड़ी हम देखेंगे सर्कल के अंदर 30 गज के दायरे के अंदर.
तीन खिलाड़ी सर्कल के बाहर हो गए ऑन साइड में, लेकिन वो कौन से खिलाड़ी हो गए, डीप स्क्वायर लेग हो गए या फिर वाइडिश मिड विकेट, ये भी देखना पड़ेगा। तो गेंदबाजी में बदलाव, मोहन दीक्षित, तो गेंदबाजी में परिवर्तन किया है मोहन दीक्षित टीम की तरफ से। दूसरा ओवर व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर मोहन दीक्षित ने यहां पर जो कि बल्लेबाज करने है, बल्लेबाज जॉनसन के लिए बैकफुट पॉइंट और सिली मिड ऑफ, ये दो खिलाड़ी सर्कल के अंदर, डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप लॉन्ग ऑफ, ये दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर। तो जैसे ही दाहिने हाथ के बल्लेबाज जॉनसन आए तो उनके लिए शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट, ये दो खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर। पहली गेंद फुल टॉस गेंद डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और यहां पर आसान सा कैच। कप्तान इस तरह की गलती करेगा तो क्या होगा दूसरे खिलाड़ियों पर? ये कहा जाता है कि विशाल घोटकर के हाथों से कैच का फिसलना बहुत मुश्किल हो जाता है। डीजे विशाल घोटकर जैसे खिलाड़ी के हाथों से कैच फिसलना, ऐसे लग रहा है कि उन्होंने फेविकोल की जगह तेल लगा के फील्डिंग पर गए हैं। देखिए गेंद और शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में, अराउंड द कार्पेट शॉट, वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाएगी। एक जीवनदान यहां पर मिला है जॉनसन जैसे बल्लेबाज को। टीम का स्कोर अगर पहुंचता है 19 रन बगैर किसी नुकसान के, तो यह निर्णय जो लिया है विशाल घोटकर ने यह थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। पहले विकेट के लिए 19 रनों की साझेदारी बन चुकी है, कुछ हद तक दबाव जो है वो पूरी तरह से कप्तान पर आता हुआ। दाहिनिया से ओवर दो, इस बार उमदा शॉट, इस बार फिर से उमदा शॉट, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से मारा है सीधे 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे, मेरे स्कोरर मुझे बता रहे इस बल्लेबाज का नाम है सोलू, इन्होंने इस छक्के के साथ इस टूर्नामेंट में अपने 100 रन पूरे किए, तालियों से इसका स्वागत होना चाहिए क्योंकि एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने 100 रन पूरे किए टूर्नामेंट में। उमदा शॉट, एक और उमदा शॉट, इस बार कवर पॉइंट बाउंड्रीज के बाहर, 4 रनों के लिए जगह बना रहे। शारीरिक भाषा को देखिए, समय लेते हैं, गेंद को परखते हैं, जांचते हैं, उसके बाद बाउंड्रीज को रवाना करते हैं। धन्यवाद डीजे दुर्गेश ठाकुर, जब आपको समय मिलेगा आप तब आप जरूर बजाइएगा, लेकिन फिलहाल मैच काफी रोमांच की मोड पर जाता हुआ। तो इस बाउंड्रीज के साथ टीम का स्कोर 29-29 रन बगैर किसी क्षति के। दाहिनियाज से ओवर दुखेर गेंदबाजी डाले, इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई नजदीकी मामला हो सकता था। जॉनसन रन चुराना चाहते थे, लेकिन जॉनसन को यह समझना चाहिए सोनू जो है बड़ी तेजी के साथ रन बटोर है। अब तक इस टूर्नामेंट में एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने 104 रन बनाए हैं, मैन ऑफ द सीरीज या फिर बेहतरीन बल्लेबाज के रेस में पहुंच चुके हैं। आखिरी शेवरचा चंडू, तो इस ओवर का ये आखिरी गेंद बचा हुआ है, गेंदबाज मोहन दीक्षित, दबाव डालने का प्रयास जारी है मोहन दीक्षित की तरफ से, लेकिन जिस तरह का दबाव होना चाहिए वो नहीं उड़ाल पा रहे हैं। विशाल घोटकर की भी मुश्किलें बढ़ रही है। इस ओवर का ये आखिरी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, फिर से डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद, लेकिन गेंद जाएगी सीधे 6 रनों के लिए। तो चलिए, दो ओवर की समाप्ति के बाद डेनिस 11 नेरुल टीम का स्कोर अगर देखा जाए 35 रन बन चुके हैं। पिछली ओवर में 14 रन आए थे, इस ओवर में 21 रन, तो बड़ा महंगा ओवर साबित हुआ गेंदबाज मोहन दीक्षित का। सागर चंद से भी काफी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने भी निराश किया, विकेट नहीं मिल पा रही है, तो ये एक बड़ी मुश्किल की बात होगी विशाल घोटकर के लिए। टॉस जीता, सेमीफाइनल का मुकाबला है, अब तक का सफर बहुत शानदार रहा है, लेकिन यह सोच होनी चाहिए विशाल घोटकर की। यहां पर गेंदबाज में बदलाव करेंगे, परशु साठे, स्वप्निल नायक की कमी महसूस हो रही, हो सकता है कि स्वप्निल नायक से आप आखिरी ओवर की गेंदबाजी करेंगे। पंच वेल वाया घालू का प्लीज, याचानंद राजू ने सामना करता है। परशु साठे दाहिनियाज से ओवर द विकेट, शॉर्ट ऑफ पुल लेन, गेंद थी वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद एक टप्पा खाने के बाद वाइडिश मिडॉन के खिलाड़ी के पास सीधे, गेंद एक रन ही मिलेगा। तो इस एक रन के साथ देखिए जॉनसन की तारीफ करनी चाहिए, सोनू को जो गेंद जो है 3 इंच की 10 इंच की फुटबॉल की तरह दिख रही है, तो उनको स्ट्राइक दिया जा रहा है, बिल्कुल समझदारी के साथ एक बड़े पार्टनर का रोल अदा कर रहे हैं। टीम का स्कोर 36
विदाउट लॉस यानी 36 रन बगैर किसी नुकसान के। गेंदबाज परसों साटे दाहिने हाथ से उर्दू के उमदा शॉट, फिर से उमदा शॉट, इस बार एक टप्पा खाने के बाद गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्रीज के बाहर, 4 रन। दुर्गेश ठाकुर के साथ 40 रन, सोनू इस समय 33 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे, 10 गेंदों का सामना के। फिर से शॉर्ट ऑफ पिच गेंद थी और सीधे गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए पिछली गेंद पर बाउंड्रीज मिली। इस गेंद पर 6 रन दबाव में डाल दिया पूरी तरह से गेंदबाज के ऊपर। विशाल घोटकर काफी निराश हो गए जो फैसला उन्होंने लिया, यह फैसला अब थोड़ा महंगा साबित होता हुआ। ऐसे लग रहा है कि गंगा कहीं उल्टी तो नहीं बहने लगी है, ये फैसला जो लिया वो कहीं महंगा साबित हो रहा है। सोनू इस समय 39 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे, टीम का स्कोर 46 रन, जिसमें से 39 रनों पर खेल रहे हैं सोनू। केवल 11 गेंदों का सामना किया है, पूरी तरह से हमला बोल दिया है गेंदबाजों के ऊपर सोनू जैसे आक्रामक बल्लेबाज ने। परसू साटे दाहिने हाथ से ओवर दो विकेट गेंदबाजी डाल रहे, फिर से उमदा शॉट, इस बार डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, एक टप्पा खाने के बाद गेंद सीधे फील्डर के पास, लेकिन 2 रन आसानी के साथ पूरे कर दिए, डायरेक्ट हिट हो जाता तो यहां पर बल्लेबाज जॉनसन को बाहर का रास्ता अपनाना पड़ता, लेकिन भाग्य ने साथ दिया, अपने कॉटन क्रीज पर पहुंच चुके थे। 2 रन और मिलेंगे, इस 2 रन के साथ डेनिस इलेवन नेरुल का स्कोर पहुंचा है 48 रन। डेनिस इलेवन नेरुल की टीम इस बात को जानती है कि बोनकोड़े के पास जो बल्लेबाजी जो है वो काफी लंबी है, माजिद जैसे खिलाड़ी है, माजिद इस मैच में नहीं खेल पा रहे, तो ये बड़ा झटका हो सकता है बोनकोड़े के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। और सोनू के अगर देखा जाए 50 को अगर देखा जाए 9 रन अभी भी कम है। उमदा शॉट, फिर से उमदा शॉट, वाइडिशा मिड विकेट के क्षेत्र में अराउंड द कार्पेट शॉट, 1 रन लिया है, खराब फील्डिंग गलती कर बैठे और दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल किया। गांवदेवी बोनकोड़े के फील्डिंग को आज क्या हो गया है, कैचेस ड्रॉप करवा रहे हैं, आसान से आसान कैचेस ड्रॉप करवाने के साथ साथ मिसफील भी करवा रहे, तो ये सोचना पड़ेगा आपको फील्डिंग के स्तर को सुधारना होगा। जब बड़ा मैच होता है तो आपकी फील्डिंग में लचर प्रदर्शन करोगे तो मुश्किलें बढ़ जाएगी। इस ओवर का ये आखिरी गेंद, तो टीम के 50 रन पूरे हो चुके, गेंदबाज परसू साठे की इस ओवर का ये आखिरी गेंद। अब तक वर्षु साठे ने 5 गेंदों में 15 रन दे चुके हैं, पूरी तरह से दबाव डाल दिया बल्लेबाज सोनू ने परसों साठे पर। ओवर पिच गेंद, गति में बदलाव, चेंज ऑफ द फेस, ओवर की समाप्ति, इस बार गेंद को थोड़ा सा नीचे रखा था, परिवर्तन के तौर पर धीमी फेंकी हुई गेंद डॉट बॉल निकल गई, ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद डेनिस इलेवन नेरुल टीम का स्कोर हुआ है 50 रन, जिसमें से 41 रन जो है वो सोनू के बल्ले से निकले हैं। इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कितने विस्फोटक बल्लेबाजी की। अब 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 10 विकेट हाथ में है, एवरेज पर नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा प्रति ओवर में लगभग 16.5 का रन रेट चल रहा है, इसी एवरेज से रन बनाती है तो 60 या 65 रन बन जाएंगे। लेकिन सोच होगी विशाल घोटकर की कि यहां से ऐसे गेंदबाज को मोर्चे पर लाया जाए। इस मैच में अगर देखा जाए स्वप्निल नायक शायद नहीं खेल पा रहे, तो उनकी कमी महसूस हो रही है, रविकांत नायक शायद, स्वप्निल नायक भी नहीं दिख रही है, माजिद भी नहीं दिख रहे, अगर तो अगर यहां पे जितेश रावत भी नहीं, यानी बल्लेबाजी जो है वो थोड़ी सी कमजोर दिख रही है। 60 के ऊपर स्कोर जाएगा फिर मुश्किलें हो जाएगी, तो सोच होनी चाहिए। अब तक स्कोर बना है 50, इस ओवर में अगर 5 या 6 रन बन जाते हैं तो भी मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, सेमीफाइनल का मुकाबला। यहां तक का सफर अगर देखा जाए गांवदेव बोनकोड़े का शानदार रहा है, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी अब तक की है बोनकोड़े टीम के खिलाड़ियों ने, थोड़ा सा निराश जरूर किया होगा विशाल घोटकर ने जो फैसला लिया गेंदबाजी करवाने का, अब महंगा पड़ता हुआ दिख रहा है, तो यह जज कर पा रहा है कि किससे गेंदबाजी करवा जाए। आखिरी ओवर है, पंच परमेश्वर टाइम वाया घालू नका, जरी ऊन पड़त असेल पाण्याचा घोट घेतल्यानंतर सामना लवकरात लवकर चालू करा। फ्रंट लाइटची व्यवस्था केलेली नाही आहे, सर्व सामने आपण पाहतोय सूर्यप्रकाशात खेळवले जातात, सहकार्याची गरज आहे। आमचे शेर और शायरीचे किंग परशुराम ठाकूर इथे बसतात, जसे एक इनिंग होते त्यांच्याकडे माईक जाईल, 2-3 शेर ठोकून द्या, प्रेक्षक खूप जमलेले आहेत। जरी घरचा संघ सामन्याच्या बाहेर असेल तरी सुद्धा क्रिकेटचा विजय होतो ये जरूरी होता है, घरेलू टीम भले ना हो लेकिन क्रिकेट की जीत हो रही, भारी तादाद। आज देखिए गांवदेवी कोपरीगांव का मैदान खचाखच भरा हुआ है और बड़े पैमाने पर क्रिकेट का लुप्त उठाते हुए। अब दाहिने हाथ से ओवर दो, उमदा शॉट, एक बार फिर से, और यहां पर एक और चरण,
इस बार जॉनसन के बल्ले से, जॉनसन को नहीं रोक पाओगे, तो इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर हुआ है 56। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, यहाँ पर भी वही एक छोर से सोनू बल्लेबाजी कर रही थी तो दूसरी तरफ से जॉनसन कहाँ रुकने वाले हैं, वो भी पीछे नहीं हटेंगे। 56 7 रन दूर आपने अर्धशतक से, ये दूसरे खिलाड़ी हो सकती है जिन्होंने अर्धशतक बनाने में कामयाब हो जाएंगे, तीसरे अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी हो सकते हैं। आखिरी 5 गेंदें बची है, गेंदबाज वायुकान नायक, फुल टॉस गेंद, वाइड दिशा लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई है और यहां पर आसान से गया। तो पहले विकेट का पतन टेनिस 11 नेहरू की टीम का बल्लेबाज जॉनसन के रूप में और पहली सफलता गांवदेवी बोनकोड़े टीम को सलामी बल्लेबाज जॉनसन के रूप में। डीजे धन्यवाद दुर्गेश ठाकुर जी, एक अच्छे स्कोरर, अच्छे डीजे ऑपरेटर और बढ़िया बढ़िया गाना हमको सुना रहे हैं। तो 7 रन दूर अपने अर्धशतक से तीसरे खिलाड़ी बन सकते हैं अर्धशतक बनाने वाले सोनू टेनिस 11 नेरुल के। इस बार बाहरी किनारा लिया है, गेंद गई सिली मिड ऑफ के पास, इस बार नहीं गलती करेंगे विशाल घोटकर, दूसरे विकेट का पतन टेनिस 11 नेरुल के टीम के, यानी दोनों सलामी बल्लेबाज अब मैदान से बाहर जा चुके हैं। टीम का स्कोर केवल 56 रन, यानी 56 पर लगातार दूसरा झटका लगता हुआ। और यहाँ पर गेंदबाज रविकांत मात्रे देखा जाए तो ऑन ए हैट्रिक, यानी हैट्रिक के मुकाम पर है। धन्यवाद दुर्गेश ठाकुर। तो अभी भी इस ओवर की 3 गेंदे बची है, रविकांत जो कि हैट्रिक के मुकाम पर है, पहले गेंदबाज जिन्होंने हैट्रिक ली थी इम्तियाज, जिन्होंने पहली हैट्रिक मुकम्मल की थी। इस बार हवा में गेंद है, क्या हैट्रिक लेते हैं अजी, हाँ ये हाँ दूसरी हैट्रिक, दूसरी हैट्रिक रविकांत के गेंदबाजी पर। इससे पहले इम्तियाज ने श्री कृष्ण दीवार टीम के अगेंस्ट हैट्रिक ली थी, ये दूसरे गेंदबाज सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में हैट्रिक लेने में कामयाब हो चुके हैं। पीठ थपथपाई जा रही है साथी खिलाड़ियों के द्वारा और ये जरूरी होता है, एक छोर से उन्होंने रनों को ब्रेक ही लगाया है। तो 4 गेंदों में 3 विकेट मिल चुकी है, पहली गेंद पर एक बढ़िया हिट लगा था जो कि जॉनसन ने मारा, उसके बाद लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष बची है, देखना है कि 4 विकेट लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि एक रिकॉर्ड है जो रिकॉर्ड बन पाना मुश्किल हो जाता है। बायां से ओवर दो गेंदबाजी डाल रहे हैं, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने का प्रयास और सीधी गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्रीज के बाहर 4 रनों के लिए। धन्यवाद। तो इस 4 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 60 रन इस मर्तबा सनत के बल्ले से। आखिरी गेंद इस इनिंग का भी, ये आखिरी गेंद चौथे ओवर का, ये आखिरी गेंद, गेंदबाज रविकांत बाएं हाथ से ओवर दुखेर गेंदबाजी डाले, इस बार शॉर्ट ऑफ पुल गेंद थी, गेंद को थोड़ा सा नीचे रखा, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद टेनिस 11 नेरुल टीम का स्कोर हुआ है 60 रन और जीतने को चाहिए गांवदेवी बोनकोड़े टीम को प्रति ओवर में 15.25 के रन रेट से, यानी 15.25 का रन रेट है, 24 गेंदों में 61 रन बनाने हैं। जैसे ही बोनकोड़े टीम की पारी की शुरुआत होती है वैसे ही दुर्गेश ठाकुर एक जबरदस्त गाना, टेनिस 11 नेरुल लवकर फिल्डिंग लावून गया, जर वेळ भेटला तर आपल्याला शेवटचा सामना म्हणजे अंतिम सामना
पांच षटकांचा ठेवायला मिळेल. डेनिस इलेवन नेरूल लवकरात लवकर फिल्डिंग लावा, लवकरात लवकर फिल्डिंग लावा. पंच परमेश्वर फहीम खान आपणास विनंती, आपण आपला ताबा घ्यायचा आहे. क्रिकेटचे दोन पांढरे हत्ती, क्रिकेटचे दोन न्यायाधीश विनंती करतोय, आपला मोर्चा पहिले आपण सांभाळून घ्या. स्पीडअप करा, वेळ वाया घालू नका, कारण सूर्य आपण पाहतोय आकाशात झोकावतोय. इथं फ्रंट लाईटची व्यवस्था केलेली नाही आहे, त्यामुळे विनंती करतोय. परंतु परशुराम ठाकूर साहेब आपण शेर शायरी काही सुनावले नाही आहे, प्लीज. चलिए, उनका मानना है कि शेर शायरी तो होती रहती है. बोलते कि शेर सुनने में अच्छा लगता है, शेर सुनाने में अच्छा लगता है, और हकीकत में शेर आ जाए तो भागने में भी अच्छा लगता है, होते रहता है. तो 24 गेंदे है, परशुराम ठाकुर जी एक ताजा जानकारी फिलहाल मुझ तक पहुंची है. रिद्धि सिद्धि के एक कट्टर समर्थक की तरफ से यह जानकारी आई है. जब रिद्धि सिद्धि के कुछ खिलाड़ी अंडरम खेलते थे, तब वहां पर अब कॉमेंट्री बॉक्स में कॉमेंट्री करते थे, ऐसा सुनने को मिला है. ये सही है क्या? अपने जमाने में जानदार कॉमेंटेटर रह चुके हैं, लेकिन कहते उम्र के हिसाब से. लेकिन देखिए, ये कॉमेंटेटर की कोई उम्र नहीं होती है, आप किसी भी वक्त कॉमेंट्री कर सकते हो. हाँ, खेलने की बात. लेकिन पंच परमेश्वर फिल्डिंग लावायला सांगा, वेळ वाया घालू नका. डेनिस इलेवन नेरूल विनंती करतोय, वेळ वाया घालू नका. वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, ना ही वक्त किसी की खूबसूरत मोहतरमा होती है. जो वक्त के साथ चलता है वही सिकंदर होता है. म्हणून सांगतो, वेळेचे अभाव बरोबरच चाला. एक मिनिट सुद्धा इकडे तिकडे झाला नाही पाहिजे. पंच परमेश्वर विनंती करतोय, वेळ वाया घालू नका. तर बोनकोडे संघ ओपनर फलंदाज पाठवा. तो चलिए, 24 गेंदे हैं, 24 गेंदों में प्रति ओवर में चाहिए 15.25 का औसत, यानी 61 रन. लक्ष्य मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है. क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें आप किसी भी टीम को कमजोर नहीं मान सकते हो. सभी को याद होगा साल 2003 का वो मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया ने जोहान्सबर्ग के मैदान पे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 434 रन बनाए थे, और जवाबी हमले में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को अपने ही घरेलू मैदान पे पानी पिलाया था, उन्होंने तो 438 रन बनाए. तो क्रिकेट में इस तरह के रिकॉर्ड हो जाते हैं. तो यहां पर सोच चाहिए बोनकोडे टीम की कि आपके सामने एक ओवर का पावर प्ले है. लेकिन सबसे बड़ा अगर देखा जाए, इस मैच में माझी तो नहीं खेल पा रहे, उनकी जगह पे मंदास ओपनिंग करवाए जा रहे, उनके साथ परशुराम साठे. तो माजिद की गैर मौजूदगी काफी खल सकती है कुछ हद तक, क्योंकि जब बड़े टारगेट को चेस करना होता है ना, तो मुख्य बल्लेबाज की याद हमेशा आ जाती है. तो इस मैच में माजिद नहीं खेल पा रहे, स्वप्निल नायक भी नहीं दिख रहे, तो उनकी गैर मौजूदगी जरूर. स्वप्निल नायक तो इंजर्ड है, उनको तो टीम से बाहर बैठना ही था, लेकिन माजिद जैसे खिलाड़ी नहीं खेल पा, तो उनकी कमी महसूस होगी. प्रति ओवर 15.25 का स्कोर जो है वो चेस कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा. और यहां पर गेंदबाजी में देखेंगे, नए गेंद से गेंदबाज जॉनसन, लेकिन नील जॉनसन को सभी को याद होगा या नहीं है तो मुझे पता, लेकिन जुवांबे के ऐसे खिलाड़ी थे, ओपनिंग गेंदबाज, ओपनिंग बल्लेबाज थे तो वैसे दक्षिण अफ्रीका के, लेकिन जुवांबे के तरफ से खेलते थे. इसके अलावा भारत के मनोज प्रभाकर भी ओपनिंग गेंदबाज और ओपनिंग बल्लेबाज. तो चलिए, मैच शुरुआत होने का इशारा देते हुए स्टैंडिंग एम्पायर, गेंदबाज जॉनसन काफी लंबा चौड़ा रन अप है, 140-145 के प्रति घंटा किलोमीटर रफ्तार से गेंदबाजी डाल रहे हैं. दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद, डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद, क्या चार या छह कहेंगे अंपायर, फैसले का इंतजार होगा अंपायर के फैसले का. जी हाँ, छह रन, जी हाँ छह रन. पहले ही गेंद पर स्ट्राइक बल्लेबाज परशुराम साठे ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया, और इसी अंदाज से बल्लेबाजी करनी होगी. ठाकुर, तो इसे छह रनों के साथ परशुराम साठे ने अपना खाता खोल दिया और टीम का भी खाता खोल दिया. टीम की स्कोर की शुरुआत होती हुई बगैर किसी नुकसान के छह रन, मंजिल है 61 रनों की, चुनौती है 61 रनों की. दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन एक ही रन मिलेगा. बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया है. तो इस एक रन के साथ गांवदेवी बोनकोडे का स्कोर पहुंचता हुआ दो गेंदों की समाप्ति के बाद 7 रन. गेंदबाजी में हल्का सा वेरिएशन ला रहे गेंदबाज जॉनसन. जॉनसन को कोई भूल नहीं पाएगा, मित्तल जॉनसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, बहुत ही सटीक गेंदबाजी थे. उसी अंदाज से देखिए, इतने स्पीड में गेंदबाजी करवाना,
एक तो ओपन बल्लेबाजी में करते हो और ओपन गेंदबाजी भी करवाते हो, तो इतना काफी दबाव हो जाता है जब गेंदबाज के ऊपर। शॉर्ट पिच गेंद, दबाव डालने की कोशिश, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर ने वाइड करार दे दिया। अतिरिक्त रन की घोषणा होते हुए टीम के स्कोर में एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ टीम का स्कोर 8 रन 2 गेंदों के समाप्ति के बाद। 22 गेंदों में 53 रनों की आवश्यकता, मंजिल मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक बल्लेबाज को बड़ी पारी खेलने का प्रयास करना होगा। ये देखना होगा परशुराम साठे जो है वो पूरे 4 ओवर तक मैदान पर टिके तभी संभव है। लेकिन गेंदबाज जॉनसन की तारीफ करनी चाहिए, दबाव डालने का प्रयास जारी है दाहिने हाथ से ओवर विकेट। इस बार हवा में गेंद जरूर है, काफी देर तक गेंद हवा में चली गई है। क्या कहेंगे अंपायर, एक ही रन मिलेगा। जी हाँ, एक ही रन मिलेगा। मैदान थोड़ा सा पीछे की तरफ छोटा होने के कारण एक ही रन मिलेगा। तो इस एक रन के साथ गांवदेवी बोनकोड़े का स्कोर हुआ है 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 9 रन, जिसमें से अगर देखा जाए एक एक्स्ट्रा मिला है, 3 गेंदें अभी भी शेष बची हुई है। जैसे ही सिंगल रन मिला सभी खिलाड़िया है गेंदबाज जॉनसन को बचाने के लिए कि यहां से आप इस तरह की शॉर्ट पिच गेंदबाजी न करें। परशुराम साठे जैसे खब्बू बल्लेबाज के सामने आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी करोगे उतनी ही आपको मार पड़ सकती है। लेकिन दूसरी बात यह भी कि परशुराम साठे को सिंगल से डालने गलेगी, आपको बाउंड्री चाहिए। 15 रन प्रति ओवर बनाना है तो आपको पावर प्ले में कम से कम 22 या 25 रन बनाने होंगे, तब जाके आपके पास मौका रहेगा, अन्यथा मुश्किलें बढ़ जाएगी। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी डाल रहे गेंदबाज जॉनसन। इस बार ओवर पिच गेंद, उम्दा शॉट, बहुत ही उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग के साथ, और गेंद वैदिश मिड ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। धन्यवाद है दुर्गेश। तो इसे 6 रनों के साथ गांवदेवी बोनकोड़े का स्कोर पहुंचता हुआ 15 रन बगैर किसी नुकसान के। अब 20 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 46 रनों की आवश्यकता, 20 गेंदे और 46 रन, अभी 20 ओवर की 2 गेंदे शेष बची है। गेंदबाज जॉनसन 4 गेंदों में 15 रन खर्च कर चुके हैं, दबाव डालने की अभी भी उनकी कोशिश जारी है लेकिन दबाव नहीं डाल पा रहे बल्लेबाज के ऊपर। ओवर पिच गेंद, इनसाइड एज लगा है बल्ले का, एक ही रन मिलेगा शायद इस एक रन के साथ, 16 रन गांवदेवी बोनकोड़े का बगैर किसी नुकसान के। अभी भी आखिरी गेंद बची है, 19 गेंदे और 45 रन, प्रति गेंद पर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ। दूसरी तरफ मंदार जो कि नॉइस टाइप पर है उनको समय नहीं मिला है, तो आज उनको ओपन करने का मौका मिला है। हालांकि विस्फोटक बल्लेबाज वो भी है, लेकिन ये देखना होगा कि माजिद की गैर मौजूदगी में इतने बड़े टारगेट को चेस कर पाती है नहीं। काफी दबाव दोनों बल्लेबाजों पर है। गेंदबाज जॉनसन ने अब तक 5 गेंदे फेंकी है, 5 गेंदों में 16 रन दे चुके। सूरत हाल ये है 19 गेंदे हैं और 45 रनों की अभी भी आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए बोनकोड़े टीम को। ओहो हो, ब्लॉक होल में गेंदबाजी और सीधे विकेटों पर गिरी, पहले विकेट का पतन, पहला झटका। धन्यवाद दुर्गेश। तो 18 गेंदे बची है, 18 गेंदों में अब 45 रनों की आवश्यकता बोनकोड़े टीम को। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं सुमित, एक जमाने में ये खिलाड़ी बोनकोड़े की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करता था, लेकिन अब देखिए गिरते हुए फॉर्म को देखकर बोनकोड़े टीम के आयोजकों ने उनको मध्यक्रम में भेजने का ऐलान कर दिया। अब गेंदबाजी में भी बदलाव होगा, 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, अब गेंदबाजी के बागड़ो संभालेंगे सोलू, जिन्होंने बल्लेबाजी में अगर देखा जाए 43 रनों की पारी खेली। वही सोलू गेंदबाजी के क्रम को जारी रखने के लिए आए हैं, जबकि उनके सामने स्ट्राइक पर मंदार, और मंदार को अगर देखा जाए जो कि लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर बैट्समैन से, तो राइट हैंडर बल्लेबाज मंदार के लिए एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट और एक खिलाड़ी शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी हम देख रहे सर्कल के बाहर वो है डीप एक्स्ट्रा कवर, और दूसरा खिलाड़ी हम देख रहे हैं लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और एक खिलाड़ी सिली मिड ऑफ, यानी 3 खिलाड़ी हम देख रहे हैं सर्कल के अंदर, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट डीप एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट सिली मिड ऑफ। तो ये 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, गेंदबाज और सोनू बल्लेबाजी में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, 43 रनों की पारी खेली थी। शॉर्ट पिच गेंद, वाइड मिड ऑन की दिशा में गेंद, एक ही रन मिलेगा।
सूर्यकांत सूर्यकांत बाला प्लीज अपन स्टेज पर आए। तो इस एक रन के साथ बोनकोड़े का स्कोर बहुत सा हुआ 17 रन। अब स्ट्राइक पर है नए बल्लेबाज सुमित, खासा दबाव सुमित पर होगा। प्रति ओवर में 15 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। आज बोनकोड़े गांव का अगर देखा जाए आधा गांव इस मैच को देखने के लिए आई है, क्योंकि जब बोनकोड़े की टीम फाइनल तक पहुंच जाती है तो उनका रुतबा अलग हो जाता है। इस बार बाहरी किनारा लिया है, एक और विकेट का पतन, एक और विकेट का पतन सुमित के पारी का। धन्यवाद। अब गए हैं कप्तान साहब विशाल घोटकर, जिनको कहते हैं बोनकोड़े टीम के चॉकलेट कैप्टन। एक कैच ड्रॉप कर चुके हैं, समय उनके पास है अपने आप को हीरो बनाने का। और सबसे बड़ी बात, कप्तान के कुर्सी पर बैठे हैं, अपने आप को साबित करने का और यहां से अपने कद को उछाने का बेहतरीन मौका है। गेंदबाज सोनू, राउंड विकेट, गति में बदलाव किया, चेंज ऑफ द फेस, सीधे विकेट कीपर के ग्लोव में गेंद जाते हुए, एक ऑलराउंडर खेल का नजारा पेश करते हुए गेंदबाज सोनू। बल्लेबाजी में 43 रनों की पारी खेली, गेंदबाजी में अब तक 3 गेंदे फेंक चुके हैं, एक विकेट हासिल किया है सुमित के रूप में और केवल एक मात्र रन दिया है, किफायती। अब नए खिलाड़ी आ चुके हैं विशाल घोटकर, जो कि नॉन स्ट्राइक पर है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, मंदा जो कि अभी भी सलामी बल्लेबाज का रोल अदा कर रहे हैं, शॉर्ट पिच गेंद थी, शॉर्ट बैकवर्ड खेलने की दिशा में गेंद, एक ही रन मिलेगा या दूसरे की कोशिश जी नहीं करेंगे, एक से दाल नहीं गलेगी, बहुत मुश्किल होगा। इक्का दुक्का रनों से दिल्ली तो क्या, आप आगरा भी नहीं पहुंच सकते, बाउंड्री चाहिए आपको, इतना आसान नहीं होगा। कोशिश करनी चाहिए आपको बड़े शॉट्स मारने की, अगर इक्का दुक्का रन बनाओगे फिर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ जाएगा, फिर अंत में आपकी मुश्किलें और बढ़ जाएगी। अभी तक देखे जाए 7 विकेट हाथ में है, यहां से कोशिश होगी कि आपको बड़ा हिट लगाने का। इस बार पैरों से गेंद लगी है, एम्पायर क्या कहेंगे, जी नहीं रन चुराने का प्रयास किया था, हल्की सी अपील भी हुई थी गेंदबाज सोनू की तरफ से, आत्मविश्वास की कमी के कारण अपील को खारिज कर दिया। अंपायर का मानना कि गेंद जो है वो लेग स्टंप को छू कर निकल रही थी। आखिरी गेंद, 5 गेंदों में केवल 2 रन दिए, बहुत ही निर्णायक गेंदबाजी की है, कसी हुई गेंदबाजी की है गेंदबाज सोनू ने, दबाव डाल दिया है पूरी तरह से बोनकोड़े के बल्लेबाजों के ऊपर। फुलटोस गेंद, अराउंड द कार्पेट शॉट, लॉन्ग ऑन की दिशा में, खराब फील्डिंग, सीधे 4 रनों के लिए। इसी के साथ विशाल घोटकर ने व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन। अब 12 गेंदे बची है, 12 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए 39 रनों की आवश्यकता, प्रति ओवर में चाहिए 19.5 रन, जो कि बहुत मुश्किल लगता हुआ, प्रति ओवर में 19.5 रन चाहिए। अब यहां पर कप्तान सोनू गेंदबाजी में बदलाव करते हैं, तो किस गेंदबाज को बुलाना चाहेंगे। मैच अगर देखा जाए 70% जो मैच है वो डेनिस 11 नेरुल के पक्ष में है, और यहां से अगर देखा जाए एक बड़ा प्रहार करना होगा आपको, कम से कम एक अच्छा ओवर चाहिए जिसमें 22 या 25 रन मिल जाए, कुछ हद तक मैच में वापसी हो सकती है। तो गेंदबाजी में एक और बदलाव, बाबू टीम की तरफ से 3रा ओवर, व्यक्तिगत के तौर पर 1ला ओवर, गेंदबाज बाबू काफी लंबा चौड़ा रन अप है, 140 प्रति घंटा रफ्तार से, इतना युवा गेंदबाज, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, उम्दा शॉट, खिलाड़ी है वहां पर वैडिश मिडॉन की दिशा में, आसान सा कैच, एक और विकेट का पतन। तो नए बल्लेबाज आ चुके हैं विनीत दलवी, तो खासा दबाव होगा विशाल घोटकर के ऊपर इस समय, क्योंकि टीम के कप्तान है और इस समय चाहिए टीम को रनों की सख्त जरूरत। गेंदबाज बाबू की तारीफ करनी चाहिए, पहली गेंद पर सफलता मिली है, शॉर्ट पिच गेंद, उम्दा शॉट है, वाइडिश मिडॉन की दिशा में, एक और विकेट, बिल्कुल उसी फील्डर के पास एक और विकेट, बैक टू बैक 2 विकेटों का पतन।
तो नए बल्लेबाज आ चुके हैं चेतन मात्रे। अब मौसम के बदलते मिजाज के साथ साथ गेंद हवा का रुख परख रहा है। अब तक देखा जाए तीसरा दिन इस प्रतियोगिता का है और हवा के रुख के कारण गेंद जो है वो ज्यादा दूर नहीं जा पा रही है। सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी डाले गेंदबाज बाबू, दो विकेटें मिल चुकी है। हैट्रिक लेने का मौका था लेकिन हैट्रिक नहीं मिल पाई। अब तक तीन गेंदें फेंक चुकी है, एक भी रन नहीं दिया है। कसी भी गेंदबाजी की है, सटीक टप्पे के साथ गेंदबाजी डाल रहे। कप्तान साहब को उन्होंने मैदान के बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके अलावा एक और बल्लेबाज को भी उन्होंने आउट किया। दाहिने हाथ से और दुखे गेंदबाजी डाल रहे। गति में बदलाव, थोड़ा सा गेंद को नीचे रखवा रहे, अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन ला रहे। जब कोई भी खिलाड़ी अपनी स्पेल में अलग अलग किस्म की गेंदबाजी डालता है ना, तो इस बात का अंदाजा हो जाता है कि काफी शानदार गेंदबाज है। चार गेंदे हमने देखी, अलग अलग स्पेल में गेंदबाजी डाल रहे। दो विकेट मिल चुके हैं, एक भी रन नहीं दिया। इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, अंदरूनी हिस्सा लगा बल्ले का, रन चुराने का यहां पर प्रयास नहीं किया। अब बोनकोड़े को देखा जाए, बोनकोड़े का टीम यहां पर प्रयास भी नहीं कर पा रही, तो ये उन्होंने ठान लिया। अब मैच तो हाथ से निकल चुका है, केवल औपचारिकता जिसे कहते हैं वो बाकी रह गई है। आखिरी गेंद बची है, सात गेंदों का खेल अब तक शेष बचा हुआ है। पंच वेल वाया गालो नका प्लीज, सात गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है। टीम का स्कोर केवल अगर देखा जाए 22 रन, मंजिल है 61 रनों की। उमदा शॉट डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक और कैच और यहां पर मेडन। और तो चलिए आखिरी ओवर बचा हुआ है, एक और विकेट का बटन, छह गेंदे। उनतालीस रनों की अभी भी आवश्यकता। यहां पर शायद डॉट बॉल हुआ है, इनसाइड एज लगा, एक ही रन मिलेगा। अब मैच तो हाथ से निकल चुका है। बोनकोड़े के खिलाड़ी जितने भी रन बनाती है उतना ही उनके हार का अंतर कम हो जाएगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो काले पत्थर की लकीर है, बोनकोड़ी की हार निश्चित हो चुकी है। पांच गेंदे 38 रन, बढ़िया शॉट, लेकिन टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं है और शॉट में ताकत इतनी अच्छी नहीं है। एक और विकेट का पतन, तो बिल्कुल ऑन साइड में जाना चाहिए था विकेट का, यहाँ पर पतन हो रहा है। रविकांत, जिस खिलाड़ी ने 40 प्लस में अपने दमखम दिखाई थी और गेंदबाजी में बढ़िया गेंदबाजी का नजारा पेश किया था, उसको आखिरकार बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरना पड़ा। वादिश लगान की दिशा में गेंद, सागर चंद, एक ही रन मिलेगा। तो इक्का दुक्का रनों से स्कोर को आगे बढ़ाने का प्रयास करवा रहे हैं बोनकोड़े के काफी समर्थक। आज थोड़े से निराश होंगे लेकिन क्रिकेट हार जीत तो होती रहती है, ये सोचना चाहिए। डेनिस इलेवन नेरुल का सफर अब तक बहुत शानदार रहा है, जिस टीम के खिलाफ आपको हार भी मिली है लेकिन वो टीम जो है इस समय जबरदस्त फॉर्म में है, तो इतना बुरा भी नहीं मानना चाहिए। लेकिन बोनकोड़े का खेल अगर देखा, अब तक टूर्नामेंट में शानदार खेल रहा था लेकिन फाइनल सेमीफाइनल जैसे मैच में उनका खेल अगर देखा जाए थोड़ा सा खराब रहा है, क्योंकि उसका एक कारण है कि इस मैच में अगर देखा जाए माजिद नहीं खेल पा रहे, स्वप्निल नायक नहीं खेल पा रहे और राउत जो है वो भी नहीं खेल पा रहे, तो ये तीन बड़े खिलाड़ी नहीं इस मैच में, तो उसका असर पूरी तरह से टीम पर दिख रहा है। अब तक चार गेंदे फेंकी जा चुकी, केवल दो रन आ चुके, केवल औपचारिकता बाकी है बोनकोड़े टीम की। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में, अराउंड द कार्पेट शॉट, एक रनों के लिए केवल। तो केवल यहां पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बोनकोड़े टीम को, एक ही गेंद बची है, एक बड़ी हार यहां पर मिलेगी। बड़े ही अब तक सेमीफाइनल में पहुंचे है। प्रमोद पाटिल जय सानपाड़ा, टॉस सटी या टॉस सटी, जय सानपाड़ा प्रमोद पाटिल। इसी के साथ इस मैच को डेनिस इलेवन नेरुल टीम ने जीत लिया। सोनू कर्णधार, सोनू लवकर या टॉस साठी, सोनू विनंती करे तो टॉस साठी लवकर है। मैन ऑफ द मैच इन दिस मैच,
मैन ऑफ द मैच, तो जिस गेंदबाज ने तीन विकेट हासिल किए मिडल ओवर गेंदबाजी की, वो गेंदबाज है बाबू।